नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंतानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहंतानं नमो अरिहंतम् नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशं मंगलानं च सर्वेशं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पैंतीस और 24 नंबर का पद मैं दादा का वारस हूँ वो दे दीजिए मुझे मैं दादा का वारिस हूँ हाँ जय सच्चिदानंद मैं दादा का वारस हूँ मैं दादा का वारस हूँ राही केवल सत का हूँ राही केवल सत का हूँ बोलो प्यारे साथ बोलो प्यारे साथ दादा दादा भगवान भगवान अमर वरदे भगवान अमर वरदे वरदान अमर वरदे वरदान दादाजी की पांच ही आज्ञा पालेंगे दादाजी की पांच ही आज्ञा पालेंगे महावीर खुद ही बन जाएंगे महावीर खुद ही बन जाएंगे दादाजी की पांच ही आज्ञा पालेंगे दादाजी की पांच ही आज्ञा पालेंगे महावीर खुद ही बन जाएंगे महावीर खुद ही बन जाएंगे कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे जय श्री
सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत का हूँ, राही केवल सत का हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान, अमर वर दे वरदान, अमर वर दे वरदान, अकर्म विकर्म अचल शिखर, अकर्म विकर्म अचल शिखर, गुप्त है भगवान सबके भीतर, गुण है भगवान सबके भीतर, अकर्म विकर्म अचल शिखर, अकर्म विकर्म अचल शिखर, गुप्त है भगवान सबके भीतर, गुण है भगवान सबके भीतर, अभेदता से हम एक रहेंगे, अभेदता से हम एक रहेंगे, जहाँ नजर आए शुद्धात्मा देखेंगे, जहाँ नजर आए शुद्धात्मा देखेंगे, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। जिज्ञासु मुमुक्षु की प्यास बुझेगी, जिज्ञासु और मुमुक्षु की प्यास बुझेगी, स्वपद में रहने की प्यास लगेगी, स्वपद में रहने की प्यास लगेगी, जिज्ञासु और मुमुक्षु की प्यास बुझेगी, जिज्ञासु और मुमुक्षु की प्यास बुझेगी, स्वपद में रहने की प्यास लगेगी, स्वपद में रहने की प्यास लगेगी, स्वयं की भजना में डूब जाएंगे, स्वयं की भजना में डूब जाएंगे, डूबे वो भीतर उजाला पाएंगे, डूबे वो भीतर उजाला पाएंगे, स्वयं की भजना में डूब जाएंगे, स्वयं की भजना में डूब जाएंगे, डूबे वो भीतर उजाला पाएंगे, डूबे जो भीतर उजाला पाएंगे, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत का हूँ, राही केवल सत का हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान, अमर सच्चिदानंद। दादा ने हमें जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान देकर उन्होंने हमें उनके जैसे बना दिया है, बोलिए, वरना गुरु शिष्य बनाते हैं,
लेकिन ज्ञानी उनके जैसे समकक्ष के बना देते हैं। इसीलिए जब ज्ञानी से ज्ञान मिलता है तब सभी प्रकार के भेदभाव में से हम छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। नजदीक लाइए ना, मुझे सुनाई थोड़ा कम देता है, आगे बैठे ना। हाँ नहीं नहीं, कुर्सी लेके आना, कुर्सी ठीक नहीं रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए। हाँ ऐसा है, ये भी थोड़ा मैं नजदीक लाऊं। दादा भगवान ने ज्ञान देकर उन्होंने हमें उनके शिष्य नहीं बनाए, शिष्य नहीं बनाए। ज्ञानी शिष्य नहीं बनाते। अभी इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है कि अभी वो शिष्य क्यों नहीं बनाते। जैसे कि अगर कोई खुद शिष्य है तो शिष्य कैसे बनाएंगे। मैं खुद शिष्य हूँ तो मैं दूसरों को शिष्य कैसे बना सकता हूँ। और दादा ने अपने लिए ऐसा बताया कि ये मैं सारे विश्व का शिष्य हूँ, जीव मात्र का शिष्य हूँ। क्योंकि उन्होंने अपने लिए बताया कि वे लघुतम पुरुष है, लघुतम पुरुष है। वे ज्ञानी लघुतम होते हैं। महावीर भगवान लघुतम थे, राम भगवान लघुतम थे, कृष्ण भगवान लघुतम थे। अभी उनकी ये लघुतम होने की पहचान बहुत मुश्किल है। उनके जो अनुयायी है वो लघुतम नहीं है। नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं कहना है। लेकिन उनकी ये जो लघुतम स्थिति जो है ना भूमि का, वो समझने की जरूर है। देखिए आप छोटे हो तो सबके दिल में जगह करोगे, या बड़े हो तो सबके दिल में जगह करोगे। छोटे ही सबके दिल में जगह कर सकते हैं, बड़े तो अपनी मस्ती में रहते हैं, कुछ वो नहीं बैठेगा। ये बात है। और कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान को बड़ा या बड़े क्यों बताया है, वे बड़े हैं ऐसा करके बताया क्यों है। क्योंकि वह परम पवित्र हुए थे। परम पवित्र का मतलब क्या है? कृष्ण भगवान शादीशुदा होने पर भी उन्हें ब्रह्मचारी बताया गया है। अब ये कैसे संभव है? शादीशुदा होने से अब्रह्मचर्य नहीं होता है, लेकिन अपनी धर्म पत्नी के सिवाय कोई अंदर से मन बिगड़ता है तो वो अब्रह्मचर्य है। इसीलिए हाँ, अभी प्रश्न भी ये भी आएगा कि अभी एक पत्नी व्रत की बात करते हैं, कृष्ण भगवान को 8 उनको क्या बोलते हैं पट रानियां थी, और 16,000 थी दूसरी सब रानियां। अभी इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है कि जरासंघ जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे वो युद्ध में जरासंघ मर गए। अभी जरासंघ मर जाने पर उनकी 16,000 रानियां थी, तो तब के नियम अनुसार जरासंघ की मृत्यु यानी अपने पतिदेव की मृत्यु होने पर, राजा जी की मृत्यु होने पर रानियों को सती का वो व्रत पालन करना पड़ता है। अच्छा। सतीत्व पालन करना पड़ता है। और कृष्ण भगवान ने यह अनुमान कर दिया कि मेरे से जरासंघ मर गए तो ये 16,000 रानी का सतीत्व का बोझा मेरे सर पर आएगा, मेरे सर पर आएगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो यह हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आप सतीत्व से बच जाओ। तो सभी रानियां खुश हुई थी। वो शादी करने के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि उनको जबरदस्ती उठा के शादी करवाई थी जरासंघ जी ने, वो प्रति नारायण थे, उन्होंने सभी को जबरदस्ती उठा के शादी की थी, इसीलिए सब खुश नहीं थे।
और उनका व्यवहार ऐसा था, और कृष्ण भगवान दिल से जीते थे सभी के साथ, तो कृष्ण भगवान के लिए सभी को भाव था। अच्छा। लेकिन कृष्ण भगवान के ऊपर ये कलंक ना लगे इसीलिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था, और वे सभी रानियों ने वो प्रस्ताव मंजूर रखा, इसीलिए उनको 16,008 रानियां बताई जाती है। वरना उनकी धर्मपत्नी का जो सामान्य तौर पर जिक्र होता है वो रुक्मिणी देवी है। रुक्मिणी देवी, हाँ। और राधा जी जो है वह कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, तो भक्ति करते थे। अभी उनका नाता भक्त और भगवान का जैसा था। अच्छा, उनका भगवान। और गोपी गोपियों की जो भक्ति थी ना, बहुत उत्तम भक्ति थी। इसलिए ये कृष्ण भगवान की भूमिका समझना मुश्किल है। ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान नरक में गए गए हैं, शास्त्र प्रमाणित करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि वे पूज्य नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनको सिक्का लग गया है, वे भविष्य में 12वें तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं। अच्छा। अमरनाथ स्वामी करके जो महावीर भगवान थे, ऋषभदेव भगवान थे, ऐसे आगे आगामी यानी भविष्य की जो 24 ही आएगी, अर्धकाल चक्र आएगा, उसमें वे 12वें तीर्थंकर भगवान है। शास्त्र में वो उसका क्या बोले प्रमाण दिया गया है, यानी उनके लिए था। कैसे पता पड़ता है कि ये तीर्थंकर बनेंगे? वो तीर्थंकर भगवान ही कह के जाते हैं। अच्छा, किसी को तो क्षमता है ही नहीं, ये ज्ञानी पुरुष बता सकते हैं। ये ज्ञान किसको होता है? ज्ञान जिनको ज्ञानी मिलते हैं और ज्ञानी की कृपा हो जाती है तो उनको ज्ञान मिल जाता है। कृपा जैसे कृष्ण भगवान की कृपा अर्जुन पर हुई, उन्होंने दिव्य दृष्टि दी। अच्छा, दिव्य दृष्टि, हाँ, तो उनका काम हुआ। आखिर में सभी पांडव निमिनाथ भगवान के शरण में गए थे। नहीं, आप जो दिव्य चक्षु की बात करते थे, हाँ, वही दिव्य दृष्टि है क्या? हाँ, वही ज्ञान है, वही दिव्य दृष्टि है, वही ब्रह्म ज्ञान है। अच्छा। वही ब्रह्म संबंध है, वही सम्यक दृष्टि है, ये बात है। लेकिन सब लोग अपनी तरह से बताते, बात वही है, इसीलिए मिल जाता है तो हमें उसका अनुभव हो जाता है। ये प्राप्त करना बहुत महत्व का है, और प्राप्त हो गया उसका प्रमाण क्या है, आपकी चिंता चली जाएगी, आप कभी किसी को दुख देने के लिए योग्य नहीं रहते, देते नहीं है। कर्म के हिसाब से अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो पीछे पीछे प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं। अच्छा, इतने जागृत रहते हैं। अच्छा। क्योंकि ये सम्यक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, स्वरूप ज्ञान, सुदर्शन, ब्रह्म संबंध, वो हमें इतने जागृत कर देते हैं कि उस जागृति के परिणाम से गलती कर्म के धक्के से होती है। अच्छा। और प्रतिक्रमण ज्ञान के धक्के से होता है। प्रतिक्रमण ज्ञान ज्ञान के धक्के से होता है, यानी ज्ञान के प्रभाव से होता है। ज्ञान भी इतना ही बलवान है और कर्म भी इतना ही बलवान है। अच्छा। ऐसा कोई कह सकते हैं कि अगर ज्ञान है तो वो क्यों नहीं रोक सकते? इसलिए यहाँ बोला है उदय कर्म वो खुद की सत्ता नहीं है, वो पुद्गल की सत्ता है, वो पुद्गल परिणाम है। लेकिन वो पुद्गल सही नहीं माना जाता अगर उस प्रकृति से, उस पुद्गल से किसी को दुख होता है तो। अच्छा। इसीलिए उसे अतिक्रमण कहा जाता है, और अतिक्रमण होता है तो उसका प्रतिक्रमण आवश्यक बनता है। बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी स्पष्टता की है कि इसमें कोई दुविधा है ही नहीं, किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है। इसीलिए मोक्ष मार्ग मिला है, ज्ञानी पुरुष मिले हैं, तो ज्ञानी पुरुष व्यक्ति स्वरूप नहीं होते। अच्छा। लेकिन लोगों की आदत होती है कि उनको व्यक्ति का ढांचा दे देते हैं। अच्छा। व्यक्ति का ढांचा देना आसान है। अभी
जैसे कि कोई ऐसा बोल सकते हैं कि हम दादा भगवान की बात करते हैं, दादा भगवान व्यक्ति स्वरूप नहीं है, दशा स्वरूप है और उनका यश नाम कर्म है, तो उनकी फोटो लगाने के पीछे मतलब क्या है? उनके फोटो लगाने के पीछे का मतलब यह है, उनके बाद ऐसे परम पवित्र दशा वाले, यानी पवन पवित्र, उनका पुद्गल भी इतना परिशुद्ध हुआ था कि उनके ऊपर कोई ऐसी उंगली नहीं कर सके, और जब तक ऐसे कोई आते नहीं है तो उनकी तस्वीर रखना अच्छा है। तो क्या है, लोगों को एक प्रमाण मिलता है कि ऐसा होना चाहिए, और कुछ भी अगर कमजोरी है, हमेशा नहीं कह सकते वो तो उनके कर्म थे, वो सही नहीं है, क्योंकि अगर ये हम प्रमाण देते हैं तो कल उनके ही प्रमाण को लेके कुछ गड़बड़ करेंगे और बोलेंगे कि ये तो मेरे कर्म का परिणाम है। नहीं, इसीलिए उदाहरण, जीवंत उदाहरण और उदाहरण ऐसे होने चाहिए, चाहे वो भूतकाल के हो, अभी भविष्य में वर्तमान में नहीं हो, तो भूतकाल का आदर्श भी इतना महत्व रखता है कि लोग गलत रास्ते पर नहीं चले। वरना कोई बोलेंगे कि दादा ने तो ऐसा किया था, तो हम भी कर सकते हैं, इसीलिए दादा भगवान का आदर्श रखा है, दादा भगवान का आदर्श है। लेकिन यह देखकर किसी की दशा के प्रति प्रश्न उठाना योग्य नहीं है, ख्याल में है? क्योंकि सभी को ज्ञान आखिर का मिला है, लेकिन व्यवहार की भूमिका अलग अलग निम्न है, नीची है, कम है, नीची है, कम है। तो इसीलिए यह प्रश्न है, लेकिन दशा का प्रश्न नहीं आता है। अच्छा। और इसीलिए हम सभी का आदर सम्मान परम विनय करना चाहिए, जीव मात्र का। और अगर किसी ने ज्ञान लिया है तो उनके लिए तो बात क्या कहनी है, ये बात होती है। ये कहते हैं कि शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा है। हाँ, तो शुद्धात्मा की ज्ञानेन्द्रिय तो होती नहीं। शुद्धात्मा को क्या नहीं होती? ज्ञानेन्द्रिय, आँख, नाक, कान, सही है, है? सही है, ये नहीं होती, तो उसे ज्ञान कैसे होता है? अरे वाह, नाम क्या बताया था आपने? नाम क्या बताया था आपका? देवनारायण। देवनारायण, मेरे दत्त किशोर देवनारायण जी। अच्छा सोचा। देखिए, आत्मा यानी जो चेतन है, चेतन है हमारे भीतर जो चेतन है, उन्हीं में ज्ञान शक्ति है, वो अनंत ज्ञान, वो अनंत ज्ञान वाले हैं। शरीर में ज्ञान की शक्ति नहीं है, शरीर में क्रिया की शक्ति है, शरीर में क्रिया की शक्ति है। और पांच इंद्रियां जो है उसके पीछे, पांच इंद्रियां उनके पीछे भी आत्मा की ज्ञान शक्ति काम करती है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान से जो ज्ञान होता है उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और इंद्रिय ज्ञान अच्छा बुरा करवाता है, अच्छा बुरा लगाता है, अच्छा बुरा महसूस करवाता है, भुगतान करवाता है। और शुद्धात्मा का जो ज्ञान है वो अतींद्रिय ज्ञान है, अतींद्रिय यानी इंद्रिय से पर, इंद्रिय से ऊपर, ये बात। क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान, तो बोले ज्ञान तो है ही, लेकिन वह स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, विभाविक ज्ञान बताया, वो विभाविक ज्ञान, विभाविक ज्ञान। स्वाभाविक ज्ञान अतींद्रिय ज्ञान है, यानी जो इंद्रिय से पर है। इसीलिए शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा परमानंदी, यानी वे जो वहां पर है, विभाविक का मतलब ये हुआ कि वो व्यवहार को ही देखता है सिर्फ। बिल्कुल। और इसीलिए पांच इंद्रियों से अनुभव में आते हुए नौ कर्म बताए,
और वह नौ कर्म से पांच इंद्रिय से लेकर हमें भुगतान होता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ख्याल में है। और अच्छे बुरे भुगतान का हम अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ सकते हैं कि फिर से नाम भूल गया आपका, आपका नाम फिर से भूल गया, देव नारायण, देव 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 नारायण जी का भुगतान है, क्योंकि पांच इंद्रिय देव नारायण जी की है। अच्छा, मेरा देव नारायण जी, मैं शुद्धात्मा हूँ, आत्मा ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, लेकिन वो मैं हूँ उसकी श्रद्धा बैठ जाने पर, प्रतीति बैठने पर, अभी ज्ञाता दृष्टा गुण मेरे हो गए। मैं हूँ, मैं यानी देव नारायण नहीं, मैं हूँ, मैं यानी मैं शुद्धात्मा अंतरात्मा दशा में जो मैं प्रस्थापित हुआ कृपा से, अहंकार से मुक्ति हो गई, अहंकार से मुक्ति हो गई। तो यहाँ भी एक अच्छी स्पष्टता की है, कर्ता भाव के अहंकार से मुक्ति हुई, भोक्ता भाव का अहंकार रहा, लेकिन वो भोक्ता भाव का अहंकार देव नारायण जी का है, आपका नहीं। तो आत्मा भुगतती नहीं है, आत्मा में अपने स्व संवेदन का भुगतान करते हैं। अच्छा, स्व संवेदन का भुगतान यानी परमानंद का अनुभव। तो ये वेदनीय गुण आत्मा का नहीं है, बहुत बराबर बताया, बिल्कुल सही। नहीं, वेदनीय कर्म वो शरीर के, शुद्धात्मा अनंत सुख का धाम है, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं मतलब शुद्धात्मा ही हुई, नहीं मैं बोलूंगा मैं। अच्छा, शुद्धात्मा यानी कोई चीज है ऐसा हो जाता है। अच्छा, लेकिन मैं अनंत सुख का धाम हूँ बोलना है, हम वही बोलते हैं, सुख दुख तो वेदनीय है। हाँ करेक्ट, तो वो वेदनीय कर्म है। अच्छा, वो वेदनीय और कर्म शरीर को लागू पड़ता है, पुद्गल को लागू पड़ता है, प्रकृति को लागू पड़ता है, आत्मा को लागू पड़ता है, यानी मुझे लागू पड़ता नहीं है, मुझे पड़ता है, मुझे लागू नहीं पड़ता है। अच्छा, क्योंकि मैं देव नारायण नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए आओ समझ गया मैं, ज्ञान मिलने पर देव नारायण जी से आप अलग हो गए, और अलग होने हो जाने पर अभी जो जो कर्म फल स्वरूपी भुगतान आते हैं वो देव नारायण जी का है, आपका नहीं। इसीलिए हमें बताया गया, मैं सभी समग्र कर्मों की जाति से संपूर्ण मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, कर्म मुझे लागू पड़ते नहीं, वो नामधारी को लागू पड़ते हैं। अच्छा, दृष्टा किसको बोलते हैं? जो दृश्य को देखता है अपनी दर्शन शक्ति से, दृष्टा भाव में दर्शन शक्ति का उपयोग होता है, यानी दर्शन गुण का उपयोग होता है। नहीं, दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन का मतलब है समझना, समझ, और ज्ञान का मतलब है अनुभव करना, ज्ञान का मतलब अनुभव। हाँ, है आत्मा का चेतन गुण का ही ये पर्याय है, लेकिन जब तक अनुभव होता नहीं, यानी पक्का नहीं होता है, तब तक वो दर्शन स्वरूप से काम करता है, और दर्शन स्वरूप से जब वो काम करता है तब वह भेद प्रकृति और आत्मा, पुरुष और प्रकृति के बीच में वह भेद खुला करता है, उजागर करता रहता है। ये प्रकृति का भाग है, ये पुद्गल का भाग है, यह मेरा भाग है, तो तब दर्शन उपयोग होता है। और जैसे दर्शन शुद्ध होता जाता है, दर्शन शुद्ध जैसे होता जाता है, उतना समझ पक्की होती जाती है, उतनी समझ पक्की होती जाती है, उतने हम शुद्धात्मा में स्थिर होते जाते हैं। और जब पूर्ण समझ हो गई, पूर्ण समझ, वही केवल ज्ञान है। पूरे समय अभी समझना बाकी नहीं रहा, यानी अभी उसका भेद हमने समझ लिया, जान लिया, इसलिए अभी कुछ करना रहा नहीं,
इसीलिए तब वही दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग में परिणमित होता है। पहले दर्शन शुद्ध होगा कि ज्ञान मिल जाएगा? पहले दर्शन शुद्ध, दर्शन शुद्धि होती है, बराबर है। इसीलिए बताया कि दादा से ज्ञान मिलने पर हमें दर्शन खुला, दृष्टि मिली, दर्शन खुला, तो भी उस दर्शन शक्ति से हम सभी दृश्यों को यानी पुद्गल परिणाम को देखते हैं, पहचानते हैं, और उनके प्रति जो हमारी गलत मान्यता है, अभी रही सुनी जो मान्यता है ना, जो हमें असर करती है, उसको हम पहचानते जाते हैं, समझते जाते हैं और उससे मुक्त होते जाते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, इसको चलाने वाला मैं नहीं, इसको चलाने वाले व्यवस्थित शक्ति है। तो ये ज्ञाता दृष्टा स्वयं का ही होना है कि स्वयं का ही है? स्वयं का ही है। अच्छा, एक ऐसा है कि जब मैं जानता नहीं हूं कि मैं कौन हूं, यानी सब लोग ऐसा ही मानते हैं, नाम वो मैं हूं, आपका उदाहरण लेते हैं, मैं देव नारायण हूं, तो वह आपकी भूमि का बहिरात्मा है। अच्छा, बहिरात्मा, भटकती आत्मा है, अज्ञान भूमि का है, अज्ञात भूमि, बराबर है। उसे मूढ़ आत्मा भी बोलते हैं, खोया हुआ आत्मा, मूढ़ आत्मा, खोया हुआ आत्मा, भटकता आत्मा, बराबर है। अभी आत्मा क्यों बताया? वो आत्मा जो है, इसे जो भटकता आत्मा है, वो मूल आत्मा नहीं है। ये जो बताते हैं कि ये भटकता आत्मा, वो व्यवहार आत्मा है। व्यवहार आत्मा यानी मैं देव नारायण हूँ, वो व्यवहार आत्मा है। ये व्यवहार, तो व्यवहार हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं या इस जन्म में? नहीं, आगे का ही है पूरा। अच्छा, आगे का ही है, लेकिन आज ज्ञान मिलने पर अब हम उसको पहचान लेते हैं। अच्छा, पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं, ये देव नारायण का भाग है, मैं देव नारायण को देखने वाला, आज मैं दृष्टा की भूमिका से देव नारायण को पहचानता जाता हूँ, समझता जाता हूँ कि वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि अभी पूर्व के राग द्वेष के हिसाब आज भी आते हैं, जो देव नारायण जी को अच्छा बुरा लगाते हैं, और अच्छे बुरे के पीछे उनका जो खाली होता हुआ अहंकार है, उन्हें अच्छा बुरा लगवाता है। अच्छा, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं। अभी कैसे हैं, तो कर्म का परिणाम में सुख आया, तो देव नारायण की स्वाभाविक वाणी निकलेगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बराबर है। लेकिन आप अगर जागृत नहीं रहते तो मैं, मुझे अच्छा लगा उसमें बह जा सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से मुझे अच्छा नहीं लगा उसमें भी बह जा सकते हैं, उसमें बह जाते, बह जा सकते अगर जागृत नहीं रहे तो, जागृति का उपयोग नहीं किया तो, यानी शुद्धात्मा में ना रहे तो। लेकिन शुद्धात्मा में ना रहने से नया कर्म नहीं बनता, क्योंकि आपको पूछा जाता है आप कौन हो, तो आप बोलते नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूँ, तो ये क्या हो गया, बह कैसे गए, जागृत नहीं रहे, यानी कर्म का धक्का थोड़ा भारी था और आज का हमारा निश्चय कच्चा था, इसके कारण जागृति नहीं रही, और भुगतान को भुगतने वाले होते नहीं है, मूल स्वरूप से नहीं होते। अच्छा, लेकिन आभास होता है कि मुझे हुआ, इसीलिए नहीं, जैसे चोट लगती है तो ये भी आभास ही है क्या? अभी तो आभास ही है, क्यों, कौन से आभास क्यों कहा जाता है? क्योंकि चोट लगी देव नारायण को, देव नारायण ने बताया मुझे चोट लगी। अच्छा, यूं देव नारायण ने बोले कि मुझे दुखता है, और आप जागृत नहीं रहे क्योंकि आप उनके साथ हैं, उनके साथ होने पर आप जागृत
नहीं रह पाते, क्योंकि ये कृपा से मिला है ना, कृपा से मिला है, तो भी समझना बाकी है, ज्ञान मिल गया, समझना बाकी है, ज्ञान मिल गया, समझ ज्ञान मिलना मिल गया, समझना बाकी है, क्योंकि ये समझ का भाग जो व्यवहार का भाग है ना, वो व्यवहार को अभी हमने निपटारा नहीं किया संभाव से। समझ तो जब हो, जब नियमित सत्संग हो, सत्संग होता नहीं, होगा ना अभी, होगा ना, इसलिए तो हम बारी बारी आते रहते हैं, दूसरे आपके पुत्र भी आएंगे, लेकिन ये समझ पक्की होती जाती है। जब उसका दबाव कम होता है ना, तो एकदम हमें याद आता है, संस्मरण होता है, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ, तो ये किसको भुगतान हुआ, अरे ये तो देवनारायण को भुगतान हुआ। लेकिन जब जब भुगतान का प्रभाव होता है, तब हम जागृत नहीं रह पाते, क्योंकि वो भुगतान का दबाव होता है, भुगतान का भार होता है, वो भार में हम थोड़ा बह जाते हैं, ये बात है। लेकिन जैसे वो कम होता है, क्योंकि भुगतान का स्वभाव कैसा है, नहीं है अभी, जैसे वो सूर्योदय होता है ना, ऐसा भुगतान का उदय होता है, भुगतान नहीं है, भुगतान आना शुरू होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, वो क्या बोलते हैं, ऊपर तक जाता है, फिर वापस कम होता है कम होता है कम होता है, जब चले जाता है, ख्याल में है। लेकिन ये भुगतान का दबाव इतना होता है कि हम जागृत नहीं रह पाते, क्योंकि कभी हमने हम जागृत रहे ही नहीं, जागृति थी नहीं तो रहेंगे कैसे, लेकिन अभी अभी नई नई जागृति मिली है, कृपा से मिली है ना, इसीलिए इसके पीछे हमारा निश्चय होना जरूरी है कि मुझे देखना ही है, मुझे दादा ने ज्ञान दिया है, तो मैं देव नारायण जी के उदय कर्मों को अच्छे से देखूंगा, दादा मुझे शक्ति दो, क्योंकि ये अंतरात्मा भूमिका है, बीच वाली स्थिति है, इसीलिए बीच वाली स्थिति, लेकिन वह ठोस हमें स्थिति में बिठाया है, इसीलिए हम कहते हैं मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। वो बोले मैं गोली मार दूंगा, तो गोली मारना तो मार दो, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, आप गोली मारोगे देव नारायण को, मैं शुद्धात्मा हूँ देव नारायण से अलग, क्योंकि मुझे दादा भगवान का ज्ञान मिला है और उससे मैंने जान लिया है कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, वो भी छोड़ देंगे, क्योंकि हम इतने विश्वास से समझ से कहते हैं ना, ये बात समझना है, यानी कोई परिस्थिति हम जो है उससे हमें विचलित नहीं कर सकती, अजागृत हो सकते हैं, जागृति छूट सकती है, लेकिन हम जो है यानी वो प्रतीति मिटा नहीं सकते। प्रतीति का मतलब है शंका बगैर की श्रद्धा, शंका रहित श्रद्धा, शंका रहित, शंका नहीं है, अब मैं शुद्धात्मा हूँ उसमें शंका नहीं रही, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, इसीलिए कहा परमात्मा योग प्राप्त हुआ है, परमात्मा योग प्राप्त नहीं होता है, जो कृष्ण भगवान ने गीता जी में परमात्मा योग बताया है ना, वही परमात्मा योग हमें प्राप्त हुआ है अभी बोली, और हम क्या बोलते हैं, शिकायत करते रहते ये होता है वो होता है, लेकिन वो क्या है हमें अभी समझना थोड़ा बाकी है। अगर ये समझ हो जाती है, पूर्ण समझ, तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का मतलब क्या है, क्रियाएं, क्रियाएं, क्रियाओं के प्रति का जो कर्ता भाव है ना, उसे आप मुक्त हो गए, क्रियाओं की सभी भुगतानों के प्रभाव में से आप मुक्त हो गए, महावीर भक्त। और सामान्य तौर पर केवल ज्ञान होने के बाद ऐसे कोई विशिष्ट भारी उपसर्ग यानी वेदनीय कर्म इतने भारी नहीं रहते, सामान्य रहते हैं, लेकिन महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी भारे वेदनीय कर्म आए थे, लेकिन उस कर्मों में वे विचलित नहीं हुए थे, क्योंकि वो केवल ज्ञान पा चुके थे। लेकिन अपवाद से आश्चर्य में जाता है कि केवल ज्ञान होने के बाद भी उनको उपसर्ग आए थे, इसीलिए वो दस आश्चर्य है ना, का भुगतान तो होगा ही, कर्म का भुगतान होता है, लेकिन वो भुगतने वाले नहीं बनते। अच्छा, भुगतने, अभी हमारी अजागृति के कारण हमें असर हो जाती है,
मूल में भुगतने वाले नहीं होते। अच्छा, मैं भुगतता क्योंकि मुझे शंका रहित श्रद्धा बैठी है कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। अच्छा, लेकिन वो जागृति हिल जाती है तभी धक्के से, तो तभी उन्हें ख्याल नहीं रहता है। लेकिन जैसे उसका दबाव कम होता है, हम जागृत हो जाते, अरे मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये क्या हो गया, तब हमें समझ में आ जाता है, अरे ये तो देवनारायण का था, मैं शुद्धात्मा हूँ, देवनारायण जी को भुगतान आया, भुगतान आया, चला गया। और जहाँ हम अजागृत रहे ना, उसका हमें पछतावा रहता है और हम उसका प्रतिक्रमण भी करते हैं कि मैं जागृत नहीं रह पाया, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। जैसे हम जागृत नहीं है तो वो फिर निकाल नहीं होगा। हाँ, निकाल नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि नया कर्म बना। अच्छा, नए कर्म बनते नहीं है। हाँ, लेकिन पुराना जो छूटने के लिए आए थे हम छूट नहीं पाए। अच्छा, यानी वो छुड़वाने के लिए ही आते हैं। हाँ, आते लेकिन हम छूट नहीं पाए क्योंकि हम अभी कमजोर हैं। हाँ, ज्ञान आखिर का मिला है लेकिन समझ अधूरी होने के कारण अपूर्ण, पूर्ण नहीं है, इसलिए विचलित हो जाते हैं। विचलित हो जाते हैं और इसीलिए बीच में ये प्रतिक्रमण का भाग रहता है हमारे लिए, और उस प्रतिक्रमण में हमारी कमजोरी से हम मुक्त होते जाते हैं। बहुत अभी इतना कम रास्ता रहा है, इसीलिए कुछ चिंता करने की नहीं जरूरत, लेकिन सत्संग का भाव रखना है, क्योंकि सत्संग के भाव से क्या होगा, हम जागृत रह पाए। जैसे सत्संग में जो लोग, दूसरे लोग आते हैं ना, तो उनकी जागृति का हमें लाभ मिलता है, और वे जहाँ जागृत है वहाँ स्वाभाविक हमारी जागृति बढ़ती जाती है। जहाँ हम जागृत है वहाँ जागृति बढ़ेगी, जहाँ हम जागृत है वहाँ उनको लाभ होगा, और जहाँ हम अजागृत है असर में आ जाते हैं, तो सामने वाले अगर उस असर में से मुक्त है तो उसका लाभ हमें ऐसे ही मिल जाता है। अच्छा, यो उसी चारित्र का लाभ बताया जाता है, और आखिर के चारित्र का लाभ केवल चारित्र बोला, केवल ज्ञान, केवल, हाँ केवल ज्ञान, लेकिन केवल चारित्र का लाभ हमें जब शिवेंद्र स्वामी प्रभु के दर्शन होंगे तब वो हो जाएगा, तब उनका चारित्र हमारा चारित्र हो जाएगा, यानी उनके जैसा ही केवल ज्ञान हमारे में प्रकट हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये आत्मा एक ही है कि अनंत है? आत्मा, आपकी आत्मा एक, और हमारी आत्मा एक स्वभावी है। आत्मा एक स्वभावी है, जैसे एक स्वभावी है, उस चीज के उसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने अंगूठी पहनी है सोने की, तो उसमें भी सोना है। फिर किसी ने गले में माला पहनी है तो वो भी सोना है। किसी ने घड़ी पहनी है, घड़ी पहनी है तो वो उसमें भी सोना है। जैसे सिद्ध भगवान होते हैं, हाँ, तो कहते हैं आत्मा सिद्ध गति में चली गई, सही है, तो उस समय उसकी साइज बताइए कि ये साइज होती है उसके, उसका प्रमाण यह दिया है। हाँ, समझो तो वो अलग अलग होगी साइज तो सबके। हाँ, बराबर है। हाँ, अभी बताते हैं, अभी समझो देव नारायण जी की मोक्ष होता है। हाँ, यही शरीर में से अगर देवनारायण जी का मोक्ष हुआ तो वहाँ सिद्ध क्षेत्र में आपका ये जो वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक समझते हैं ना, कद जो है वो कद का दो टू थर्ड को हिंदी में कैसे बोलते हैं, दो तृतीयांश यानी टू थर्ड उतने वॉल्यूमेट्रिक आकार से वहाँ आत्मा जाती है। हाँ, वो सभी से मिलजुल नहीं जाती है, एक नहीं हो जाती है। अच्छा, इसलिए कहा आज भी केवल ज्ञान में वहाँ ऋषभदेव भगवान जो सिद्ध स्वरूप से विराजमान है हम देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन केवल ज्ञान की दृष्टि है उनको हम नहीं देख पाते। उसी तरह से महावीर भगवान जो 5-5.5 फुट के थे, तो उनकी उस प्रमाण से वहाँ
अस्तित्व है, ये बात। तो मतलब आत्मा है तो एक ही, एक स्वभाव ही है, एक स्वभाव ही है। अंगूठी का सोना बैंगल को क्या बोलते, चूड़ी का सोना, माला का सोना, मुकुट का सोना, सब सोना एक स्वभाव का है, एक गुण है उसे, और गुण से वो पहचाना जाता है। जैसे आकाश है, ये भी एक स्वभाव ही है। आकाश अलग अलग नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग समझना है। नहीं, जैसे अलग ये अपन ने मकान घेर लिया, ये आकाश अलग हो गया। बात सही है, ये तो एक क्या बोले, एक व्यवहार के प्रमाण से बताया, लेकिन हकीकत में आकाश उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं है। अच्छा, यूँ है। फिर भी अगर एक औपचारिकता से प्रमाण से हिसाब बताया। अच्छा, यूँ कि जो आकाश और जिस आकाश में ये ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड आकाश में है, तो उसमें लोक आकाश बताया। अच्छा। उसका जो आकाश है वो लोक आकाश बताया, लोक आकाश, और उसे जो बाहर है उसे अलोक आकाश बताया। अच्छा, अलग अलग है, अलोक अपेक्षा से, अपेक्षा से, अपेक्षा से, अपेक्षा से, ये आपका भूतगल है, अपेक्षा से मेरा भूतगल है, अपेक्षा से आपकी आत्मा है, अपेक्षा से मेरी आत्मा है, लेकिन दोनों के गुण एक है। अच्छा, ये गुण एक, इसीलिए बाहर को व्यवहार कहा। अच्छा, इसीलिए व्यवहार, और अंदर निश्चय कहा। ये क्या है, व्यवहार है। देव नारायण क्या है, व्यवहार है। दीपकानंद क्या है, व्यवहार है। आत्मा को नाम नहीं होने पर, आत्मा का नाम नहीं होने पर, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा सेम है, आइडेंटिकल है, वो समझ सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं। अच्छा, लेकिन देवनारायण का पुद्गल और दीपकानंद का पुद्गल स्वभाव से एक है, वो हम समझ नहीं पाते। आप लोग अलग दिखाई देते हैं, हाँ एक कैसे बोलते हैं, लेकिन स्वभाव दृष्टि से देखना है। स्वभाव दृष्टि का मतलब क्या है, व्यवहार यानी जिसका पूर्ण हुआ था, आज गलन होता है, पूर्ण गलन होता है, उसे व्यवहार बताया। अच्छा, निश्चय वह है जिसमें पूर्ण गलन नहीं होता। निश्चय तो बस है, बस है और रहता है, था है और रहेगा, लेकिन व्यवहार नहीं था, व्यवहार है, व्यवहार नहीं रहेगा। तो इस अपेक्षा से हम प्रकृति के संबंध में एकता महसूस करते हैं। अच्छा, और अगर आगे की बात सोचना है, जैसे बताया कि महावीर भगवान एक उद्गल देखते थे, वो एक अपेक्षा है, लेकिन वो आखिर की स्थिति है, आखिर का अनुभव है। अच्छा। कि आपका उद्गल जो विश्लेषा परमाणु से बना है प्रकृति, और मेरे शरीर जो विश्लेषा परमाणु से बने हैं, शुद्ध परमाणु, विश्लेषा वो शुद्ध परमाणु है, परमाणु में भेद नहीं है, उन्हें भेद नहीं है। जैसे आपका है वैसे ही मेरा, जैसे आपकी आत्मा है वैसे मेरी आत्मा है, उसी तरह से मेरा पुद्गल है वैसे ही आपका पुद्गल है, उसके विश्लेष परमाणु में कोई भेद नहीं है। अच्छा, इसीलिए भगवान में सभी जगह में, वो केवल ज्ञान में ही दिखाई देता है, भगवान में महावीर भगवान ने सभी पुद्गल को एक दृष्टि से देखा कि ये सब विश्लेषा परमाणु के बने हुए हैं। बहुत अच्छा है, हम उलझते रहते हैं, ये जागृति रहती नहीं ना, जैसे अचानक हम दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए देवनारायण, ऐसा हो जाता है। देवनारायण है, ये आवरण आया ना, इसलिए नहीं दिखते हैं, आवरण हट जाएगा, दिखाई देंगे, क्योंकि देवनारायण है। ऐसे इसके सब लोग निर्दोष ही हैं कोई, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आज वो व्यवस्थित के हाथ में है, यानी प्रकृति के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है, कुदरत के हाथ में है,
वो किसी के हक की बात नहीं है। उदय कर्म के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये कहते हैं कि भाई वर्तमान में रहना चाहिए, भूतकाल में नहीं, भविष्य में नहीं। उसका मतलब क्या होता है? हाँ। भूतकाल हम से हम गुजर कर आए, मुझे क्या हो तो नहीं, नहीं गुजर कर आए। हाँ। और उस भूतकाल में हमने बहुत कुछ भुगतान हुआ है। हाँ, वही है। और वह भुगतान का समाधान नहीं हुआ है हमें। अच्छा। समाधान यानी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्यों भुगतान किया, वो नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि तब ज्ञान नहीं था, तब ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था तब। अच्छा। भूतकाल में ज्ञान नहीं था। हाँ, नहीं था। ज्ञान तो अभी हुआ। तो ज्ञान नहीं होता है तब भूतकाल की असर होती है। अच्छा। कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। फिर भविष्य की चिंता होती है, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा। ये दो परिस्थिति के धक्के में वर्तमान चूक जाते हैं। वर्तमान चूकते हैं, यानी वर्तमान में जो जागृति की आवश्यकता है, जो पुरुषार्थ की आवश्यकता है, उस पर हमारा लक्ष्य नहीं रह पाता। हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं और भूतकाल के क्या बोलते हैं उसको, निष्फलता हुई ना, सफलता का ऑपोजिट, निष्फल हुए तो उसी में खो जाते, अरे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे। लेकिन समझदारी क्या है, वो भुगतान था, वो आपने भुगतान भुगत लिया, अभी उसको याद करने का क्या मतलब है। उसको क्या मतलब? लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ है अभी। यानी समाधान नहीं होने के कारण वो बार बार स्मृति में आता है, क्योंकि वो जो हुआ था ना, वो राग द्वेष का परिणाम है, और उसमें से हम वितराग होकर बाहर नहीं आए, समभाव से बाहर नहीं आए। इसलिए जो जो ऐसी भूतकाल की बातें याद आती है और हमें विचलित करती है, तो उसे आज समझ लेना है याद से, और वो समझ के उसका समाधान कर लेना है। जैसे कि भूतकाल में ऐसा कुछ हुआ था कि किसी ने मुझे परेशान किया था, तब भी मुझे समाधान नहीं हुआ था, तो आज वो जब याद आता है, तब जिनके माध्यम से मुझे वो दुख हुआ था, वो मेरे लिए आज भी दोषित है। दोषित है वो आज भी मेरे लिए, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था करके हम बोलते हैं। अभी यहाँ पर अभी यानी ज्ञान मिल गया है और ये याद आता है हमें, तो ये ज्ञान आज भी काम करता है, अभी यानी अभी काम करता है। इसलिए ज्ञान क्या बताएगा? पहली बात तो ये है कि वो भूतकाल में जो भुगतान हुआ था, वो भुगतान का अंत हो गया। अच्छा। अभी उसका कोई अवशेष नहीं है, बाकी नहीं रहा है। लेकिन जो वहाँ राग द्वेष हुए थे, जो परिणाम से आपको भुगतना पड़ा, वो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आज वो दृष्टि से हमें समझ में आता है, अरे वो तो मेरे कर्म का फल था। अच्छा। तो वो तो निर्दोष है, वो तो कुदरत के व्यवस्थित के निमित्त है, अरे दादा माफ करना मुझे, गलती हो गई, ख्याल में है। तो इस तरह से भूतकाल के जो हमें भुगतान हुआ और जो आज भी हमें याद आता है, क्योंकि उसके प्रति राग द्वेष है, तो आज जब वो याद आता है, तब आज की दृष्टि से देखकर समाधान ले लेना। पधारिए वकील साहब, जय सचिना। उनका थोड़ा कम सुनाई देता है, जो बोले मैं नजदीक आ जाऊँ, बोले बहुत अच्छा है, सही है। तो ये बात है, इसलिए क्या कहा, दादा ने ज्ञान देकर हमारा भविष्य को समस्या मिटा दी, व्यवस्थित से चिंता नहीं करना, मैं हूँ ना, दादा ने बताया, तो वो हमें विश्वास है, इसलिए भविष्य का बहुत कम असर होती है। लेकिन भूतकाल का जो सब दाग लगा था असमाधान, वो हमने किया नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं दादा, क्या कहते हैं कि भूतकाल की परिस्थिति को याद कर करके जहाँ जहाँ समझ में आता है, ये गलती हुई थी, वो गलती हुई थी, तो उसको याद करके आज प्रतिक्रमण करके उसको शुद्ध कर दो, तो फिर वो निकाल हो जाएगा उसका। हाँ, फिर निकल गया वो।
हकीकत में निकाल हो गया का मतलब क्या, हमने प्रतिक्रमण कर लिया ना, लेकिन वो काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन प्रतिक्रमण करने से वो जो पहाड़ समान था ना, कहते नहीं प्रतिक्रमण तो शूट ऑन साइट तो होना चाहिए, लेकिन वो तो अभी आज होता नहीं है ना, अभी पीछे पीछे का बाकी है, तो शूट ऑन साइट कैसे होगा, पीछे का काम खत्म हो जाएगा तब शूट ऑन साइट होगा, तो उसकी हम फिक्र नहीं करते, लेकिन ये लक्ष्य है हमारा कि शूट ऑन साइट रखना है, इसीलिए जब जब पीछे की बात याद आएगी तो हम प्रतिक्रमण करेंगे। तो प्रतिक्रमण करने से क्या होता है, वो पहाड़ जैसा जो कर्म था जिसके कारण आप जागृत नहीं रह पाए, वो कंकर जैसा हो जाता है या मिट्टी जैसा हो जाता है। अच्छा, ये प्रतिक्रमण का परिणाम यह है, अभी ऐसा हो गया ना तो भी उसका परिणाम वापस तो आएगा, लेकिन वापस आएगा तब उसका परिणाम मिट्टी जैसा होगा, धक्का। अच्छा, लेकिन वो पहाड़ जैसे धक्के को हम सहन नहीं कर पाए, उसमें जागृत नहीं दे पाए, गिर गए थे, लेकिन हम उठ के ये बात समझ ली, प्रतिक्रमण हो गया तो वो पहाड़ समान जो कर्म था मिट्टी समान हो जाता है, कंकर समान हो जाता है, तो वो जब आएगा तो हम उसे अच्छी तरह से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसका संभव से निपटारा कर पाएंगे और तब हो जाएगा। ये बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और दादा ने कोई बात बोले अधूरी नहीं छोड़ी है, बिल्कुल स्पष्ट किया है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि क्या दादा बीच में छोड़ के चले गए वगैरह, ऐसा थोड़ा होता था, लेकिन जैसे जैसे बात समझ में आई, सब चीज़ उजागर हुई, तो हमें पता चला कि अरे दादा कोई बात रखी नहीं है, बोलो। इसीलिए कहा कि मैंने आपको मोक्ष दे दिया है, वो मोक्ष के लिए भी आपको कितने करना है, लेकिन ये देवनारायण का व्यवहार है ना, उनको आपको मुक्त करना है, क्योंकि देवनारायण का व्यवहार सहज नहीं है, अभी सहज नहीं है, तो वो जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। अब और आज्ञा दी है उसके लिए कि वो उस व्यवहार जब जब वो परिणाम आते हैं तो व्यवहार को समझ के उसका संभव से निपटारा कर दो, संभव से निपटा। इसलिए कहा आखिर की फाइल का संभव से निपटारा हो गया, आपको केवल ज्ञान हो जाएगा, यानी उसकी तैयारी हो ही जाएगी, फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि दादा ने हमारा जो अनुसंधान कर दिया ना शिवानंद स्वामी प्रभु से, उनके माध्यम से, इसीलिए हमारा नाम बन गया, स्वाभाविक हम महाविजय क्षेत्र में हमारा जन्म होगा और वहाँ दर्शन पाकर मुक्त परिनिर्वाण बोलते हैं। परिनिर्वाण यानी इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, वो परिणाम स्वरूप होगा, लेकिन आज की फाइल को संभालो, देखो अगर कोई समस्या है, कुछ अटक गया है, तो उसके लिए हमें त्रिमंत्र दिया है, असीम प्रतिकारों का दिया है, प्रतिगमन दिया है, उसका हमें पूरे पूरा पूरा उपयोग कर लेना है, उसे इसीलिए वितराग शस्त्र बताया, वितराग शस्त्र, जिस शस्त्र से कर्म मिट जाते हैं, कर्म का परिणाम और कर्म का बीज मिट जाता है, और बीज मिट गया तो अभी वो तो फिर वो है नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आगे वो जाने वाला नहीं है, वो अपना समय क्या बोले ना प्रभाव देकर चली जाएगी। बाकी आप बोलिए, ऐसा है, उनका क्या नाम है, अभी बॉम्बे से कल फोन आया था मेरे कि वकील साहब ने कहा कि प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह कौन, प्रताप सिंह जी आते थे ना वो पिछली बार, वो बॉम्बे गए अपने लड़के के पास, वो रेगुलर थे ना पिछली बार, मैं नाम भूल गया उनका, मैं कह राजपुरी थे, राजपुरी थी, इतना मुझे आता हूँ, मैंने उनको मैसेज किया था कि मेरे पास आपके नंबर नहीं, नंबर नहीं थे, तो मैंने उनको मैसेज करके कहा कि व्यास जी को मैसेज कर देना, करेक्ट, बिल्कुल उनका आया था प्रताप सिंह, हाँ, तो फिर उनके पास वापस मेरे पास आया, व्यास जी से बात होगी, वो पहुँच जाएंगे, मतलब वो भी बात होगी, वापस आएंगे,
वे अच्छा बैठो, हाँ मैं जोर से बोलूंगा, जोर से बोलूंगा, नहीं उनको सुनाई नहीं देता, सुनाई थोड़ा कम देता है, हाँ अब नजदीक रखेंगे, अभी सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, सही बात है, ये तो उम्र के साथ सब चीजें हैं सर। उन्होंने तो दीपानंद जी का कहा होगा, मैंने सुना रूपानंद जी, मैंने कहा भाई कोई होगा रूपानंद जी, अपन जानते नहीं है, सब गए तो मेरे बच्चे का फोन आ गया था, बात करके पूछ तो लू मैं इनका नाम क्या है, पूछा मैं कहा आपका नाम, तो दीपानंद जी, अरे वो तुम बहुत देखा हुआ उनको, तुम बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ सत्संग पहले ही सुना है, पहली बार हमने आपका, आपको देखा ही है बस कन्नू दादा के साथ, बराबर है, बहुत सर फरमाइए वकील साहब, दोहराइए कुछ, इनको चौधरी जी को कहा नहीं, सामने वाले, हाँ चौधरी जी को पन्नालाल जी को कहना है, बैठे हैं क्या, नहीं मैं आया जब बाहर खड़े थे, खड़े थे, मैं कभी सत्संग है चलो, तो मुझे तो इतना ही नहीं है, ये मेरा तो प्रोग्राम है बाहर जाने का, लेकिन ये अड़ोस पड़ोस वालों को भूलते रखो ना, हाँ क्या है ललित जी नहीं है तो वो थोड़े सब कुछ भी करते होंगे, लेकिन मुझे वो दिख जाता बाहर जब तो भूल जाते, दिख जाता ना कि रात को 10 बजे गए हम लोग सब, नहीं कल भी मैंने नजर दौड़ाई थी, अच्छा पन्ना लाल जी उनकी वाइफ बैठे हुए तो ये रिलेटिव रियल दोनों दृष्टि यूज करने से कुछ बैलेंस बनता है, बैलेंस मतलब संतुलन उसको समझ लेते हैं, हाँ उसको समझ लेते हैं, देखिए ज्ञान मिलने से मेरा मुख जो नामधारी के तरफ था अब मुख पलट गया है, शुद्धात्मा के तरफ हो गया है, मुख पलट गया है, मुख पलट गया, लेकिन नामदारी से जो हम जुड़े हुए थे वहां से निशंक मुक्त कर दिया, इसलिए हम कहते हैं मैं मन वचन काय से बिल्कुल मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, बराबर है, मैं शुद्ध आत्मा हूं करके तो बताया, अभी जब ज्ञान विधि के समय में हमारी भूमिका दादा भगवान जैसी हो जाती है कृपा से, लेकिन वो एक घंटे तक ही रहती है परिस्थिति, लेकिन जैसे खत्म होता है ना तो हमारा व्यवहार व्यवहार ये ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए नीचे आ जाता है, लेकिन श्रद्धा ऊपर की ही रही, इसीलिए हम कहते हैं नीचे रहने से केवल शुद्धात्मा हूँ, और वो कोई हमारा व्यवहार देखे तो कोई ठिकाना है नहीं, क्या शुद्धात्मा शुद्धात्मा करके बोलते हो, ये तो ठीक नहीं है, वो तो ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं है, क्या है आपका कोई ठिकाना है नहीं, सुनाई देता है, हाँ ये देता है, हाँ बोले कोई ठिकाना तो है नहीं, तो हम कहते हैं बात सही है, माफ करना, क्योंकि हमने समझ लिया है, तो ये व्यवहार की कमजोरी को निकालने के लिए हमें आज्ञा दी है, व्यवहार की कमजोरी यानी ये व्यवहार हमें निश्चय में रहने नहीं देता, व्यवहार का दबाव है, व्यवहार का भार है, इसीलिए हम निश्चय चूक जाते हैं, वो निश्चय जो चूक जाते हैं उसको क्या बोला, हम लक्ष्य चूक जाते हैं, लक्ष्य चूक जाते हैं, लक्ष्य चूकना यानी उस समय हम जागृत नहीं रह पाते कि मैं शुद्धात्मा हूँ, समझ में आया, अभी इसीलिए हमारी भूमिका बीच वाली स्थिति होगी, इंटरिम गवर्नमेंट बोलते ना,
इंटरिम स्थिति है हमारी, और वो इंटरिम स्थिति में क्या होता है, शरीर से मुक्त हो गए, बिल्कुल मुक्त हो, इसीलिए हम किसी निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ और आत्मा तक पहुँचे नहीं है, लेकिन श्रद्धा पूरी बैठ गई, यहाँ से निकलने की श्रद्धा बैठ गई और मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा, ये श्रद्धा बैठ गई है। तो ये श्रद्धा बैठ गई है तो अभी दो दृष्टि दी, ये बीच वाली स्थिति यानी दोनों का काम कर लेगा, बीच वाली स्थिति में दोनों का काम कर रहा है, क्योंकि निश्चय का तो काम करना ही है क्योंकि वो हमें बना दिया है, लेकिन व्यवहार का काम बाकी है जो कभी पहले किया नहीं है, जो सामान्य तौर पर क्रम मार्ग में बाहर जो चलता है उसमें व्यवहार पक्का करके आप ज्ञानी मिलते हैं, यानी व्यवहार के गुण स्थान 10 चढ़ जाते हैं, यानी आखिर में आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो क्रिया से नहीं होता, फिर वो ज्ञान और ज्ञानी की कृपा ही तब काम करती है। लेकिन यहाँ तो क्या, एक दो तीन गुण स्थान कृपा से दादा ने हमें चढ़ाया है, वो प्रमोशन करते हैं ना, ऐसा चढ़ा दिया है, इसीलिए हम तीसरे चौथे में आ गए, ऐसा बताया, तीसरे चौथे गुण स्थान में आ गए कृपा से। तो अभी व्यवहार को उठाना है ना, मैं बोलूं आप मेरा व्यवहार उठा लो, आप बोले मेरा व्यवहार कौन उठाएगा, तो ये काम सभी को अपना करना है। ज्ञान मिल गया, इसलिए ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, ज्ञान 12वीं कक्षा का है, तीर्थंकर भगवान की कोटि का है, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं होने के कारण हमारा निश्चय जो प्राप्त हुआ है तीर्थंकर भगवान की कोटि का, वो प्रमाणिक नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ये समझते हैं कि हमें ये मिला है तो हाँ दोनों काम करते हैं, तो भी हम क्या कहेंगे निचे दृष्टि से, हम क्या करेंगे, तो नीचे क्या करता है शुद्धात्मा क्या करता है, इस दृष्टि से हम क्या करेंगे, तो नीचे क्या करता है शुद्धात्मा क्या करता है, देखता है, जानता है, परमानंद में रहता है, बराबर है। क्या देखता है, क्या देखता है यानी वो दिखाता है। शुद्धात्मा आज प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से शुद्धात्मा की कार्यकारी शक्ति है, यानी काम करती हुई शक्ति है, वो सत्यनारायण जी की प्रकृति को यानी मन वचन काया को प्रकाशित करती है, और प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में मैं अंतरात्मा दशा में बीच वाली स्थिति में देख लेता हूँ कि सत्यनारायण जी क्या करते हैं, उनके मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार सबको देखते हैं, लेकिन हम एक प्रमाण से अभी बोलते हैं सत्यनारायण जी को देखते हैं, तो ये भगवान का प्रकाश यानी प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश निष्पक्ष है, किसी भी प्रकार के पक्ष बगैर वो सत्यनारायण जी की कमजोरी गलतियां जो भी है वो स्पष्ट दिखा देगा। हमारी जिम्मेदारी अंतरात्मा दशा में रहती है कि वो जो दिखाते हैं उसको हमें देख लेना है, ये हमारा पुरुषार्थ है देखने का, इसलिए हम निश्चय करते हैं कि मुझे देखना है। प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में सत्यनारायण जी की गलतियों को आप देखेंगे, हाँ आपने देख लिया कि ये कमजोरी है, अब ठीक कौन करेगा, अब न्याय होगा, सत्यनारायण जी में कमी आपको दिखाई दी, सत्यनारायण जी में कमी आपको दिखाई दी, ठीक कौन करेगा, अभी सत्यनारायण जी तो आपके हाथ में है नहीं, नहीं है।
व्यवस्थित के हाथ में है, बराबर है। अभी यहाँ ये काम करता है, निश्चय दृष्टि से आपने देखा, समझ लिया कि सत्यनारायण जी में इतनी कमजोरी है। अभी आपकी व्यवहार तो व्यवस्थित के हाथ में है, पधारिये माता जी, जय सच्चिदानंद। व्यवहार व्यवहार व्यवस्थित के हाथ में है, अभी उस व्यवहार को हमें ठीक करना है। तो कौन करेगा कि व्यवहार दृष्टि से मैं उसको ठीक करता हूँ, यानी व्यवहार को व्यवहार दृष्टि से देख कर, वो देखने में ये देखा ना, वो देखने के परिणाम से मेरी शुद्धिकरण प्रक्रिया हो जाती है। मुझे जो दिखाई दिया कि सत्यनारायण जी में कमी है, तो मैं व्यवहार दृष्टि से उसको सुधार लेता हूँ। व्यवहार दृष्टि के प्रमाण से मुझे मेरा करेक्शन होगा। हम बोलते कि करते हैं लेकिन वो हो जाता है, लेकिन जब वो शुद्धिकरण होती है तब हमें प्रज्ञा शक्ति में पता भी चल जाता है ये पूरी सफाई नहीं की। समझ में आया? आपने देखा कि ये गलती है, फिर भी सत्यनारायण जी ने पूरी सफाई नहीं की, यानी प्रतिक्रमण पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए, ठीक है। तो आप उसका भी प्रतिक्रमण करेंगे, ये जो अप्रतिक्रमण का रह गया। इसीलिए क्या कहा, ज्ञान के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ प्रतिदि बैठ गई ना, इसलिए हम अनंत अनुबंधी कषाय से कर्मों से मुक्त हो गए, यानी अनंत अवतार भटकाए वो भूमिका नहीं रही। तो क्या रहा, तो बोले प्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी। प्रत्याख्यानी का मतलब क्या है कि इसका प्रतिक्रमण करना चाहिए, लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आया कि ये प्रतिक्रमण करना है। अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यानी का मतलब क्या है कि जिसका प्रतिक्रमण करना योग्य है वो देखने कर भी आपने नहीं किया है, दोष देखने पर भी आपका प्रतिक्रमण नहीं हुआ है, वह अप्रत्याख्यानी दोष है। और अरे ये दोष ये प्रतिक्रमण के योग्य है वो हमें पता नहीं चला है, इसलिए ये दोष है यही पता नहीं चला तो मैं प्रतिक्रमण क्या करूँगा। ख्याल में है? यानी एक दोष आपने देख लिए हैं, उसका प्रतिक्रमण जितना हो गया उतना आप मुक्त हो गए, जितना रह गया उसकी हम अंदर से माफ़ी मांग लेते हैं। कैसे? अप्रतिक्रमण दोष की माफ़ी मांगते हैं। समझ में है? जो भविष्य में होगा, अभी आज तो रह गया, लेकिन वो भविष्य में जब आएगा तब आप प्रतिक्रमण कर लेंगे। और जो जो संयोग आता है और इसे सत्संग में आते हैं ना, तो हमें पता चलता है अरे इसको भी गलती बोलते हैं। तो जो दोष आपके ध्यान में नहीं था वो आपके ध्यान में आ गया कि ये प्रतिक्रमण के योग्य है, करने के योग्य, तो आपका प्रतिक्रमण होता है। और उसमें भी अगर वो रह जाता है तो फिर वो भाग अप्रत्याख्यानी में चले जाता है, क्योंकि आपने देख लिया और उसका कुछ प्रतिक्रमण हो गया, रह गया वो अप्रतिक्रमण में जाता है, आप जिसका आप प्रतिक्रमण करते हैं। आखिर का जन्म नहीं आता तब तक ये दो की भूमिका रहते हैं, प्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी। आखिर के जन्म में स्वाभाविक, क्योंकि वो आखिर का जन्म है, संज्वलन संज्वलन नाम की कर्म की भूमिका आ जाती है, कषाय। संज्वलन का मतलब क्या है? हकीकत में तभी शुटरन साइट होगा। आज शुटरन साइट कहते हैं लेकिन होते नहीं है, और पूरे भी नहीं होते, यानी कर्म का सफाया नहीं होता पूरे पूरा, रह जाता है। लेकिन वो रह जाता है, उसकी पर हम माफ़ी मांग लेते हैं तो उसका सफाया भविष्य में होगा, लेकिन तभी कोई मेहनत नहीं लगेगी। तभी कोई मेहनत, क्योंकि हम जिस तरह से प्रतिक्रमण करते हैं ना, वो पहाड़ जैसे दोष मिट्टी या कंकड़ जैसे हो जाते हैं। अभी जब पहाड़ हमारे पर गिरते हैं तो पूरा गिर जाते हैं,
वो बोले ना भूमि भूमि जुड़ गए, क्या बोलते हैं, गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं ना भूमि पर गिर गए, गिर जाते हैं, लेकिन जागृत होने पर कर्म का दबाव जैसे कम होता है, उठते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, आगे चलने लगते हैं। चलिए, दो दृष्टि का काम क्या है, निश्चय दृष्टि से देखते हैं और व्यवहार दृष्टि से कमजोर व्यवहार को सुधार लेते हैं। इसीलिए व्यवहार दृष्टि निर्दोष दृष्टि है, लेकिन व्यवहार दोष वाला है, व्यवहार दोष वाला है। व्यवहार दृष्टि तो आज्ञा है, आज्ञा दोष वाली कैसे हो सकती है, ख्याल में है? लेकिन हमारी व्यवहार दृष्टि रह जाती है, इसलिए क्या बताया, निश्चय दृष्टि 100% धी है, निश्चय दृष्टि 100% धी है, इसीलिए हम कहते हैं मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ, इसीलिए निश्चय के संबंध में कुछ करना नहीं रहा, लेकिन व्यवहार के संबंध में, वो व्यवहार का संबंध में निश्चय रहा, क्योंकि जो आया वो हमने भर दिया था, अभी उसको ये व्यवहार को खाली करना है, इसीलिए हम शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ शुद्धात्मा में रहकर ये प्रतिक्रमण करने से वो प्रतिक्रमण मिट जाता है, दोष मिट जाता है और वो मुक्ति का कारण बनता है, और वहाँ कर्म मार्ग में जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो प्रतिक्रमण करने वाले खुद होते हैं, उनको आत्मा लक्ष्य नहीं है, आत्मा जागृति नहीं है, लेकिन वो प्रतिक्रमण भी बहुत महत्व के है, क्योंकि प्रतिक्रमण से इतना पावरफुल भारी पुण्य बनता है, जो पुण्य इकट्ठा होने पर ज्ञानी पुरुष मिल जाएगा, यानी मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, आशय पूरा ये है। तो ये दो दृष्टि का उपयोग इस तरह से है। तीसरा है व्यवस्थित शक्ति, वो हमें व्यवहार का समाधान दिया है, व्यवहार का जवाब दिया है कि यह क्यों हुआ और किसने किया, जो समस्या है सभी के लिए, किसी के पास इसका समाधान नहीं है, और दादा ने इसका समाधान दिया है। क्या दिया है कि पहले तो वो मैं नहीं हूँ, और दूसरी बात ये व्यवस्थित शक्ति करती है, तो व्यवस्थित शक्ति करता है, करता व्यवस्थित शक्ति है, उसे समझ लेते हैं, देख लेते हैं, कोई भी परिस्थिति में ये व्यवस्थित शक्ति ने किया ऐसा समझ लेने पर हमारा व्यवहार बिगड़ता नहीं है, और अगर व्यवहार बिगड़ जाता है तो वो भी समझ में आता है और उसका प्रतिक्रमण होता है। आपने समझ लिया है कि ये व्यवस्थित हुआ और उसके परिणाम से आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है, या तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन अभी इधर चौथी आज्ञा आती है कि ये फाइल जो आई, जो राग द्वेष के परिणाम से फाइल रूप मेरे जीवन में आई, मुझे संभव से निपटारा करना है, दादा शक्ति दो, ये हमारा निश्चय है। अभी निश्चय ये आज के समय के मन वाणी काया का जहाँ पर एकता नहीं है, इसीलिए वह निश्चय परिपूर्ण नहीं होता, ख्याल में है, और इसीलिए प्रतिक्रमण का भाग रहता है और आगे हम जाते हैं। तो ये संभव से निपटारा करने में ही हमारा कर्ता भाव उपयुक्त होता है, इसीलिए उतने के यानी आज्ञा के संबंध में ही चार्ज होता है, इसीलिए वो चार्ज संसारी चार्ज नहीं है, जो संसार में भटकाए ऐसा चार्ज नहीं है, लेकिन संसार से मुक्त कराए ऐसा चार्ज है, और ये चार आज्ञा में रहे, पांचवी आज्ञा शुद्धात्मा के खाते में जमा हो ही जाता है, इसीलिए आज्ञा बोझा वाली नहीं है, लेकिन आज्ञा हमें वितराग बोझा मिटाने वाली है, करेक्ट, बोझा मिटाने वाली है और हमें वितराग बनाती है, ये बात, क्योंकि संभाव से निपटना आज नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जो कुछ थोड़ा रह जाता है ना, वो शिवेंद्र स्वामी के लोगों के दर्शन करने पर सब खत्म हो जाएगा, ऐसा है।
ऐसा है। आप हमारे टेबल मत बैठो, मैं अब आप से शुरू करूंगा आपसे, ठीक है ना सर? जब मैं करूंगा आपसे, ठीक है ना? आप हाँ, आप एक घंटे को मैंने वापस कर दीजिए, ठीक है? एक घंटे में, हाँ हाँ सर, ऐसा है। इसीलिए अभी पांच आज्ञा वो निश्चयात्मक व्यवहार बताया, पांच आज्ञा भी है वो हमारा व्यवहार निश्चय का निश्चय को प्रमाणित करे, ऐसा व्यवहार है निश्चयात्मक व्यवहार। अज्ञान में व्यवहारात्मक व्यवहार होता है, इसलिए व्यवहार है और व्यवहार का बंध पड़ता है, और यहाँ पर व्यवहार है और निश्चय का बंध पड़ता है, इसलिए वो निश्चय को उजागर करे, निश्चय की परिपूर्णता लाए, ऐसा व्यवहार है। बाकी निश्चय में कुछ करना नहीं है, निश्चय क्रिया का विषय नहीं है, कृपा का विषय है। और कृपा प्राप्त होने पर निश्चय प्राप्त हो जाता है, वो क्रिया से प्राप्त नहीं होता है, क्रिया से कर्म बनता है। इसीलिए कहा कि अगर मोक्ष जाना है तो सभी क्रियाओं में से मुक्त हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बात समझ लो, ऐसा बताया। माता जी बोलिए अभी। हाँ बोलिए। तो एक प्रतिक्रमण, कोई चीज अच्छी लगे उसका भी करना पड़ता है क्या? देखो अच्छी लगती है ना, उसे किसी को दुख नहीं होता है, लेकिन अगर किसी चीज को अच्छी कही, विनाशी चीज को अच्छी कही, तो जो अविनाशी चीज सबसे अच्छी है उस पर एक अपेक्षा से दाग पड़ जाता है। अच्छा, एक अपेक्षा से दाग पड़ जाता है, तो अच्छी लगती है तो वो जो उसके साथ से जुड़ा हुआ भुगतान है ना, अच्छा लगा तो वो वाणी द्वारा व्यक्त होगा कि वो चीज बहुत अच्छी है, ऐसा हम बोलेंगे। देव नारायण जी बोले, हम जागृत रहकर उसको बदल पलट देंगे। कैसे? चलो हम ऐसा बोलेंगे कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छा है, ऐसा बोलेंगे। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो आपको आपका वो भुगतान जो हुआ तो वो व्यक्त होता ही है, अंदर बोलेंगे या बाहर बोलेंगे। आप जागृत हो इसीलिए आप पीछे पीछे क्या आएगा उसका प्रतिक्रमण होता है, लेकिन प्रतिक्रमण माफी से नहीं होता है, सही चीज दोहराने से होता है। तो आप क्या बोलेंगे? आत्मा जैसा अच्छा कुछ नहीं है। तो अभी जो आपने विनाशी चीज के बारे में अच्छा कहा ना, वो फीका हो गया, उसको फीका करना नहीं है, निकालना नहीं है, लेकिन आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है तो फीका बन जाता है। दादा भगवान वहां अफ्रीका गए थे और वहाँ सब जंगल में बहुत सारे प्राणी देखे, और वहाँ तो लाइव होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दादा भगवान को पूछा था, दादा आपको अफ्रीका में क्या अच्छा लगा? तो दादा ने ऐसा नहीं कहा कि वो सब बुरा है या वो सब अच्छा है, उन्होंने कहा सभी में जो आत्मा है ना उसके जैसा कोई चीज़ अच्छी नहीं है।
ये हमें श्यालवाद का प्रमाण मिलता है। ये श्यालवाद, कोई भी चीज़ हम श्यालवाद से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप में किसी भी प्रकार की असर नहीं है ना, तभी ही वह श्यालवाद परिणाम हो गए, वरना कहीं ना कहीं उसकी खोज ही जाएगा, निकल ही आएगा। इसीलिए ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो रहेगा, लेकिन पीछे पीछे हम जागृत रहकर आत्मा जैसा अच्छा कुछ नहीं, ऐसा बोल भी दिया ना तो उसके प्रभाव में आएंगे नहीं, हम बह नहीं आओगे, हम जागृत रह पाओगे। जागृति जरूरी है, जागृति का उपयोग, जागृति का उपयोग ऐसा है, जब ज्ञान नहीं था ना तो हमें अच्छे बुरे की जागृति थी, अच्छे बुरे, और अच्छे बुरे की जागृति से हम पाप कम करते थे और पुण्य ज्यादा कमाते थे, क्योंकि कर्ता भाव था, ये जागृति से। अभी ज्ञान मिलने से सत असत की जागृति आ गई, सत असत की, अच्छे बुरे की नहीं, अच्छे बुरे की संस्कार से मिलती है, और यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, आत्मा अनात्मा का विवेक आ गया। ये आत्मा का भाग है, प्रकृति का भाग है, अरे आत्मा का भाग है, ये पुद्गल का भाग है, ये प्रकृति का भाग है, ऐसा विभाजन किया जाता है, यानी हो जाता है, ठीक है, यानी एक जागृति तक खुली हो गई, ये आत्मा का भाग है, ये पुद्गल का भाग है, ख्याल में है। अभी उन जागृति को हमें उपयोग करना है, यानी जब संयोग आता है तब व्यवहार को देखो, व्यवहार को पहचानो कि ये व्यवहार है, और निश्चय तो निश्चय है ही, उसके निश्चय के लिए हमें कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन व्यवहार में खो जाते हैं, व्यवहार में निश्चय का आरोप है, निश्चय का आरोप, यानी जैसे व्यवहार परमानेंट है ना, ऐसा कैसे, सत्यनारायण जी ऐसे, देवनारायण जी वैसे, रायचौरी जी ऐसी है, ख्याल में है। किसी भी प्रकार का अभिप्राय देना वो जोखिम है, किसी के भी प्रसंग, क्योंकि वो जो अभिप्राय है वो मेरी गलत मान्यता का परिणाम है। गलत मान्यता का परिणाम क्या है, वो व्यक्तिगत राग द्वेष है। जैसे आइसक्रीम लाओ, नहीं 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 मैं आइसक्रीम नहीं खाता, फिर नाज बोलेगा ले आई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सर्दी हुई है लेकिन अच्छा लगता है, ले मैं खाऊंगा, क्या में है। ये व्यक्तिगत अच्छा बुरा लगने की बात है, तो जहाँ इस तरह से होता है तो वहाँ ये जागृति आपकी काम करती है, लेकिन अभी ये ज्ञान जागृति खुली है ना, स्वपर का विवेक खुल गया, और स्वपर के विवेक को खुल जाने पर आपका उपयोग उस जागृति का होता है। इसीलिए वो जो जागृति शुद्धात्मा होने के बाद खुली हुई है उसे हम कहते हैं शुद्ध उपयोग में रहो, शुद्ध उपयोग में रहना, यानी ये जागृति से प्रज्ञा शक्ति खुल गई, अभी प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में आप अपने व्यवहार को देख लो, और व्यवहार में जो कमजोरी है, कमी है, दोष है, गलतियां हैं, उसको निपटाना करते रहो, करेक्ट करते रहो, पहले गलत कम होगा, पहले गलत कम होगा, फिर जो अच्छा करते हैं वो अच्छा, अच्छे के पीछे क्या समझ है, क्या वो समझ जाने पर उसके भी कर्म के परिणाम से मुक्त हो जाए, और जब ऐसा हो जाता है
देखिए अभी हमारी भूमिका ऐसी कुछ हो गई समझ लो एक अनुमान से कि सत्यनारायण जी कंप्लीट नॉर्मल हो गए, देवनारायण कंप्लीट नॉर्मल हो गए, राय कभी पूरे नॉर्मल हो गए, अभी आपको कुछ प्रतिक्रमण का काम नहीं रहा, यानी दर्शन उपयोग की कोई जरूरत नहीं रही। दर्शन उपयोग क्यों करते थे कि व्यवहार स्पष्ट नहीं हुआ था, व्यवहार सहज नहीं हुआ था। अब ये कल्पना करते हैं कि आपका व्यवहार सहज हो गया, आपका व्यवहार सहज हो गया तो भी आपको कुछ देखने का रहा नहीं, यानी समझने का रहा नहीं, आपने समझ लिया, लेकिन समझ लिया लेकिन वो केवल परिणाम हुआ नहीं है। अभी वो स्थिति अभी क्या हुआ कि यहाँ प्रकृति है, यहाँ आत्मा है, ज्ञान मिलने पर हम प्रकृति के समीप थे, इतने भी समीप नहीं कि एकाग्र हो जाए, लेकिन समीप थे। अभी ये सारी यात्रा करने पर आप निश्चय के दरवाजे पर आ गए। निश्चय के दरवाजे पर आना का मतलब क्या है, अभी व्यवहार में कुछ करना नहीं रहा, यानी व्यवहार को देखना नहीं रहा, वो भी प्रकाशित होता ही रहता है। देखने का कब तक है, राग द्वेष से तो देखना पड़ेगा, ठीक करने के लिए देखना पड़ेगा, यानी शुद्ध उपयोग में रहेंगे, और वो शुद्ध उपयोग में रहते 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 आप निश्चय के करीब, बहुत करीब आ गए। अभी आपको कुछ करना नहीं है। ये समय में स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है कि अंतरात्मा दशा से आप केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी बीच वाली स्थिति निकल जाती है, उसे क्षपक श्रेणी बोलते हैं, कि जिससे जो कर्म से, कर्म के बंधन से, कर्म के दबाव से आप अलग थे, उमिट जाता है और आप शुद्धात्मा में एकाकार हो जाते हैं। अभी अंतरात्मा दशा नहीं रही, एक सफल श्रेणी होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। अभी उनका एक उदाहरण लेते हैं। गौतम स्वामी जी बहुत निकट पहुंच गए थे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के बहुत निकट पहुंच गए थे, लेकिन उनका भाव, उनका स्नेह, उनका क्या बोलते हैं, महावीर भगवान के प्रति अतिशय था। उसे क्या बोलते हैं कैसी प्रशस्त राग, यानी अतिशय राग। मोक्ष में प्रशस्त राग होना मोक्ष मार्ग में बहुत अच्छा है। प्रशस्त राग को भी पार करना है, वो अभी बात नहीं करनी है, अभी तो वो मुकाम में पर पहुंचना है। इसीलिए अगर प्रशस्त राग होता है तो वो अच्छा है, अच्छा है। गौतम स्वामी जी की ये स्थिति थी। अभी यहाँ महावीर भगवान का निर्वाण करीब आया तो भगवान ने भाप लिया, तो ये निर्वाण नजदीक आ गया है। अभी ये महावीर करते हैं, ये अभी प्रशस्त राग को पागे से करवाने का, तो उनका सहज में निमित्त बना, करवाने का तो कुछ करने गए ऐसा नहीं है, तो स्वाभाविक निमित्त बना कि कोई पड़ोस के गांव में कोई वृद्ध थे जो सिद्धांत में डिग गए थे, हिल गए थे, तो भगवान ने कहा कि आप वहाँ हो गया, यानी उनको आज्ञा की कि आप जा गया। वो तो बड़ी खुशी हुई उनको, भगवान ने हमें आज्ञा दी, गए। और ऐसा है ना, जब दादा कोई काम सौंपते हैं ना तो हम क्या करते हैं, बोले कि अभी आपको सुबह की गाड़ी मिलेगी, नहीं नहीं अभी जो गाड़ी मिलेगी मैं चला जाऊँ,
क्योंकि अंदर से वो एग्जाम्पल है, वो होता है कि हमें दादा को पहुंच जाना है, बस फिर देखा जाएगा जो है वो, यहाँ बीच में रुकना नहीं है। तो उनका काम खत्म हो गया, वो वृद्ध जो थे उनको समाधान हो गया, बोला मैं जाता हूँ। हाँ बोलू जा, वे निकले। निकलते निकलते सुबह हो गई, रात को ही वो निकल पड़े। तो सुबह में सब लोग कहीं जा रहे थे, सब लोग आप कहाँ जा रहे, क्या कह रहे, अरे क्यों आपको पता नहीं है प्रभु का निर्वाण हो गया। क्या बात है, निर्वाण हो गया और आखिर के समय में मुझे अलग कर दिया, ये क्या बात है। अभी उनका अंदर दिमाग में चला, ये झटका लगा ना, तो झटके से भी उनको वो क्यों ना स्पार्क हुआ, अरे लेकिन भगवान को तो कोई राह भेद नहीं था, उनको ऐसा नहीं है कि मैं किसको रखूँ या दूर जाऊँ दूर कर दो, उनको तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उनके अंदर वो भूमिका सबक रेडी हो गई। और बताया जाता है कि भगवान का इस जगह पर निर्वाण हुआ, यानी रात को निर्वाण हुआ, सुबह में उसको क्या बोलते ब्रह्म मुहूर्त में गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान, वो शपथ श्रेणी हुई, वो जो रुके थे ना वो भूल गया। यानी भगवान की वाणी कैसे, कल्याण भाव कैसा है देखो, उनका कितना तीव्र कल्याण भाव है कि वो आखिर में भी इस तरह से काम कर गया और जो उनके लिए अटके थे चढ़ गए। ये बात इसे क्ष पक्ष श्रेणी, यानी जो कर्म के क्षय नहीं होने के कारण आप अलग थे, वो कर्म क्षय होने के कारण आप एक हो गए, यानी आपका अलगपन टूट गया, छूट गया, अब उसकी आवश्यकता नहीं रहती। हाँ आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्यवहार पूरा हो गया, व्यवहार सहज हो गया, व्यवहार मुक्त हो गया, व्यवहार मुक्त हो गया, कंप्लीट सेपरेशन हो गया। और फिर सामान्य तौर पर यानी केवल ज्ञान स्थिति भगवान की उनके कर्म अनुसार उनका जो कर्म का योग है, तीर्थंकर परमात्मा है ना, तो उसके आधार पर उनका एक योगदान होता है। तो भगवान महावीर भगवान का उनको करीबन 42 साल में केवल ज्ञान हुआ था, 30 साल की उम्र थी तब उन्होंने दीक्षा ली थी, 42 साल में वो केवल ज्ञान हुआ था, 72 साल में वो निर्वाण हुए। 30 साल केवल ज्ञान रहकर बहुत लोगों का कल्याण हुआ, बोलो। और वो जब भूमिका आती है ना कि यहाँ से अभी आपका समय अंत आया, अंत आने आया है अभी, यानी अभी निर्वाण होने वाला है, तो तभी आत्मा जो शरीर से जुड़ा हुआ है वो वहाँ से मुक्त होते हैं और निर्वाण होता है, उसे शैलेशीकरण बोलते हैं। ये तो सिर्फ बताने के लिए, उसे शपक श्रेणी बोलते हैं, इसे शैलेशीकरण बोलते हैं। कि वो शैलेशीकरण होती है कि जहाँ पर आत्मा और पुद्गल अलग होते हैं, पुद्गल यहाँ रह जाता है और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ एक समय में यहाँ से यानी भूमि से सिद्ध गति में जाता है। और यह एक बात बड़ी अहम की यानी महत्व की होती है, जब तक शरीर है तब तक वेदनीय कर्म होते हैं, इसीलिए कहा केवल ज्ञान हो गया लेकिन अनंत अव्याबाध सुख जो है परमानंद का अनुभव वो तभी होता है जब निर्वाण होता है। ख्याल में आया, तो ये एक समय के लिए उनको ये अव्याबाध सुख का अनुभव होता है, फिर वो अनंत सुख में सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। हमें एक समय ऐसा कहीं बोलेंगे, पर एक समय उनके लिए पीठ ना बड़ा हो गया, ख्याल में आया, एक समय पलकारे से भी बहुत कम है, लेकिन
उस एक समय में ऐसा बोला जाता है कि सारे ब्रह्मांड को निर्माण होते हुए जो स्थिति है वो सारे ब्रह्मांड को जैसे अपने हाथ में देखते हैं ऐसा हो जाता है, सारे ब्रह्मांड को और सिद्ध हो जाते हैं। और ये हमारी प्रक्रिया आज्ञा पालन से होने वाली है, और आज्ञा इसलिए इतनी दिव्य है कि कोई व्यवहार उसको रोक नहीं सकता। चीज हमें समझने की जरूरत है, और यह सत्संग की भूमिका से हमारी समझ बड़ी अच्छी होती जाती है, और हमारे अंदर जो एक क्या बोलते हैं आक्रोश नहीं कहेंगे लेकिन एक ऐसा विचित्र भाव जो होता है ना वो भी निकल जाता है ना, माफ कर देंगे। कोई मुझे परेशान करने वाला अपनी मर्जी से कर नहीं सकता, वो व्यवस्थित शक्ति करवाता है तो उसका दोष नहीं है, तो क्यों टाइम बिगाड़ना है, कोई उसका मतलब ही नहीं है। लेकिन यह जब महसूस होता है ना तब जैसे दादा भगवान की कुछ बातें देखेंगे, वो ट्रेन में जाते थे और दादा जी है ना ऊपर एक ऐसा एक जैसे कि एक गुप्त जेब रहता है कोट में ऐसा रहता है, हमने देखा नहीं लेकिन ऐसा बताया है। तो उनका पैसा वहाँ रखते थे, बुजुर्ग आदमी को 10-15 रुपया रखते थे कि बोले आखिर में वो टैक्सी में जाना है ना दादर उतर के वो दादर उतरना पड़ता था, कई बार अंधेरी आते थे तो बोले कि और दादा तो जागृत थे, कैसे जागृत, अंगूठे से सिर पर तक अगर कोई भी उनको कुछ भी स्पर्श करते या कुछ भी उनके कर वो करते हैं ना वो पता चल जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान स्थिति में सभी इंद्रिया संपूर्ण सतर्क होती है। अभी हम सुनाई नहीं देते, जो से बोलो दिखाई नहीं देता है जिसमें की जरूरत पड़ती है, ये समझना काम में मशीन की जरूरत पड़ती है, वो प्रकृति का दोष है कमजोर, इसीलिए यह है। लेकिन जब वो भूमिका आएगी आखिर में तब तो मुझे ना वगैरह रखना नहीं पड़ेगा, कान में मशीन नहीं डालना पड़ेगा, आखिर तक संपूर्ण जागृति ये होने वाला है। इसीलिए सभी इंद्रियां सतर्क हो जाती है और ये कार्य हो जाता है। और हमारा ये कार्य अभी होने वाला है, हमें किसी भी देखने का है, इसीलिए हमें किसी को वो नहीं रहता। हाँ वो मैं बता रहा था, तो वो खींचा काटने वाले ने ऐसा हाथ डाला, दादा ने थी ये बात कैसी है कि दादा को भी ऐसा कोई आक्रोश भाव नहीं आया, तो दादा ने छाना कि किसी ने हाथ डाला, तो उन्होंने देखा उनके पर पेट पर करके हाथ डाल के खाना है, दादा ने कैसे चलेगा ले ये बात यानी बोलो ये व्यवहार भी कितना दिव्य हो जाता है। लेते हुए आपने जाना बोले क्या बोले बोले जाओ, सिर्फ ये बात सुनते हैं ना तो हमें ऐसा होता कि क्या उस अहिंसक स्थिति होगी कि एक एक बोले स्पंदन ऐसा नकारात्मक नहीं हिंसक नहीं, हिंसक तो बहुत नकारात्मक नहीं, और वो भी कितने मुक्तता से वो पेट के लिए चाहिए क्या करूँ बोले दादा कहते ले जाओ जाओ, और उसके लिए वो ले जाते हैं समझो, तो बोले मुझे चल के जाना पड़ेगा, ठीक है आप चल के जाएंगे अगर आपसे काम होता है तो, और तब की बात 10 रुपया नहीं क्या बात करते हो आप ऐसा। मेरा मित्र कह रहा था
कौन? मेरा एक मित्र था, ट्रेन में सफर कर रहा था, तो उसके जेब में कुछ पैसे थे। अच्छा, तो जेब कतरे को पता चल गया, तो वो बार बार के मेरे पास आवे, मुझे पता चल गया कि ये जेब कतरा जी का है। तो फिर क्या मैंने कहा पीछे कैसे छुड़ावा इससे, तो क्या मैंने उसको बोला कि स्टाफ हूँ, स्टाफ हूँ। तो वो क्या मैं समझा नहीं, स्टाफ हूँ कि ये डब्बा मेरा है, जिस काम के लिए तुम आए ना तुम दूसरा देखो। वो बुद्धि चोर है यार, अगर मैं भी जेब कतरा ही हूँ, मैं ये डब्बा में पैक करूंगा, तू दूसरे डब्बे में जा। अच्छा। मैंने उसको बोला कान में के स्टाफ हूँ, तो क्या वो समझा नहीं, वो क्या मैं समझा, मतलब वो समझा नहीं, तो क्या ये डब्बा मेरा है, तो फिर वो चला गया। लेकिन आपको वैसे जेब कतरे जैसे दिखाई देना पड़ता है ना। हाँ, उसको दिखा, जब भी उसने किया है उसको महसूस हुआ कि नहीं है। वो कहे ये रात भर सोना नहीं देखा मुझे, ठीक है ना, तो कुछ यही घूमता रहेगा, इधर 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 घूमता रहेगा, ठीक है। मंत्र बुलाते हैं, नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयानम, नमो आयरीयानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सर्वसाहुणाम, नमो लोये सर्वसाहुणाम, एषो पञ्चनमुक्कारो, एषो पञ्चनमुक्कारो, सर्वपावप्रणाशनो, सर्वपावप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेषिं, मंगलानं च सर्वेषिं, परमां हवै मंगलं, परमां हवै मंगलं, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चलो शाम को 7 से 9।